असली पढ़ाई। टिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नंबर लाता था। इस बार जब दोनों बच्चों ने साइकिल दिलाने की जिद की तो पापा ने एक शर्त रख दी। मेरे पास एक ही साइकिल लाने का बजट है। तुम दोनों में से जो भी क्लास में टॉप करेगा उसे ही साइकिल मिलेगी। पापा की बात सुनके दोनों बच्चे पढ़ाई में जुट गए। लेकिन टिंकू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। उसे पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि एग्जाम में आने वाला है। वहीं रिंकी को पढ़ाई का शौक था। वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी। देखना, साइकिल तो मुझे ही मिलेगी। तू जो इतना पढ़ रही है सब बेकार है। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? अरे ये देख, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं मुझे ट्यूशन वाले सर ने। हमेशा इन्हीं में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉर्टकट। एग्जाम में जो भी आएगा बुक्स में से ही आएगा ना। मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई की। फाइनली एग्जाम हो गया। ये एग्जाम खत्म, मस्ती शुरू। कुछ ही दिनों में रिजल्ट घोषित हुआ और वही हुआ जैसा हर बार होता था। टिंकू ने टॉप किया, रिंकी सेकंड आई। ये अब मुझे साइकिल मिलेगी, हुर्रे! टिंकू को साइकिल मिल गई, वो बहुत खुश हुआ। ये लो, लेकिन ध्यान रखना ये तुम दोनों की साइकिल है। रिंकी को भी चलाने देना। लेकिन टिंकू कहाँ अब किसी की सुनने वाला था। वो तो बस साइकिल लेके चंपत हो गया। उसी दिन शाम को टिंकू और रिंकी का रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। खाने के बाद जैसे ही होटल से बाहर निकले तो अचानक से 2 लोग माइक और कैमरा लेके उनके सामने आ गए। हम लोग जीवन साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज है। अगर सारे जवाब सही दिए तो जीवन की टॉप मॉडल वाली साइकिल प्राइज में मिलेगी और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी। दोनों बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। क्विज में जो सवाल थे वो सारे उनकी बुक्स में से ही थे, लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी ने बुक्स बड़ी ध्यान से पढ़ी थी, इसलिए उसने कुछ ही समय में क्विज के सारे क्वेश्चंस हल कर दिए। ये लीजिए अंकल, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। क्या बात है, समय से पहले ही कर दिए, वेरी गुड। टिंकू ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे जवाब नहीं आते थे। अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। दोनों के पेपर्स देखने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने विनर अनाउंस किया। और इस क्विज में 100% सही जवाबों के साथ विजेता है रिंकी। रिंकी को प्राइज में साइकिल भी मिल गई और साथ में दूसरे गिफ्ट्स भी। वहीं टिंकू को मिली एक सीख। टिंकू अब समझ गया था कि हमें सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए।